सेना के कथित अत्याचारों के विरुद्ध लगभग 16 साल से लगातार अनशन पर रहकर संघर्ष का पर्याय बन चुकी मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला अपना अनशन 9 अगस्त को खत्म करने जा रही हैं। इरोम शर्मिला शादी करना और चुनाव लड़ना चाहती हैं। इरोम शर्मिला ने कहा, अफ्सपा के खिलाफ मैं पिछले 16 सालों से अकेले लड़ रही हूँ, किसी सत्ता, राजनीति, शक्ति और समर्थन के बिना। मुझ पर 309 का केस दर्ज किया गया। अब मैं चुनाव के माध्यम से अपनी लड़ाई को आगे ले जाऊंगी। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ूंगी और अफ्सपा विरोधी अपनी मुहिम को आगे ले जाऊंगी। 42 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को कई साल से जबरन नाक में डाली गई ट्यूब के जरिए खिलाया पिलाया जा रहा है। इरोम शर्मिला ने नवंबर 2000 में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा के विरुद्ध अनशन शुरू किया था। इस एक्ट के तहत सेना को मणिपुर में अतिरिक्त शक्तियां मिली हुई हैं। दरअसल इरोम शर्मिला के अनशन शुरू करने से 10 दिन पहले ही कथित रूप से असम राइफल्स के सैनिकों ने 10 लोगों को गोलियों से मार डाला था, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इसी बात को लेकर इरोम अनशन पर थी और अब 9 अगस्त को अनशन तोड़ेंगी और पार्टी बनाकर राजनीतिक लड़ाई शुरू करेंगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।